और सर्दियों का सीजन आते ही दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों के लिए वायु प्रदूषण का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी के चलते दिल्ली पर्यावरण विभाग ने बैठकें शुरू कर दी हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपायों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके बारे में पर्यावरणविदों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर अभी से काफी गंभीरता से सोच रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग की उम्मीदें तलाशने के लिए केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। वहीं एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। विंटर सीजन आते ही दिल्ली NCR हर साल गंभीर प्रदूषण से जूझता है। इस दौरान प्रदूषण इतने गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है कि रिसर्च की माने तो इससे इंसान की उम्र 10 साल तक कम हो जाती है। वहीं इस दौरान इस रिपोर्ट पर गोपाल राय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। दिल्ली के चारों तरफ 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के दायरे में खास तौर से नवंबर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर पैदा होती है। इस प्रदूषण को कम करने के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। दरअसल शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में एक दिल्ली में रहने वाले 1.8 करोड़ लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड की तुलना में औसतन 11.9 वर्ष की आयु खोने की दशा में हैं। इसके पीछे है वायु प्रदूषण की वजह।